40,000 रुपए का आपको क्या मिल रहा है, सब्सिडी देखने को मिलता है। तो टोटल ऑन रोड, तो अगर फ्लैट वगैरह में रहते हो तो बैटरी निकालो, या मैंने बैटरी निकाल ली और मैं जा रहा हूँ अपने घर पे चार्ज करके फिर से लगा। एक चीज बताऊं, हर परिवार में पता क्या चल रहा है, सबके पास पेट्रोल की गाड़ियां हैं, लेकिन एक गाड़ी हो जाए इलेक्ट्रिक स्कूटर की। भरकर कंपनियां हैं इस समय मार्केट में, लेकिन रेपुटेटेड कंपनियां जो है कुछ ही हैं। उसी रेपुटेटेड कंपनी में से एक कंपनी में बताऊंगा, हीरो कंपनी है। उसका मेरे पीछे जो पीछे दिख रहा है आपको, विडा कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटर खड़ा है, हीरो कंपनी का विडा इलेक्ट्रिक स्कूटर इस समय ऑफर में है, 40,000 रुपये की सब्सिडी मिल रही है। तो भैया वीडियो छोड़ना मत, बहुत ही मतलब अच्छा बजट, मतलब बजट में बन जाता है 40,000 की सब्सिडी के बाद। पूरा स्पेसिफिकेशन इस वीडियो में बताऊंगा क्या क्या है, और सच में यार फाड़ू स्पेसिफिकेशन के साथ आ जाता है, 5 कलर का ऑप्शन के साथ आ जाता है। तो यार वीडियो क्यों देर करूं, चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले जानो, देखो ये जो विडा है इलेक्ट्रिक स्कूटर हीरो कंपनी का, ये दो मॉडल में आता है। इसके दो मॉडल है, एक तो प्लस है और एक है प्रो। ये आगे वाला जो खड़ा है ये प्लस वेरियंट है और पीछे वाला प्रो वेरिएंट है, लेकिन दोनों वेरिएंट में कोई भी मतलब आपका फिजिकल जो है चेंज बिल्कुल नहीं है, सिर्फ बैटरी का चेंज है। यानी कि 20,000 रुपये का दोनों में है लगभग अंतर देखने को मिलता है, और बैटरी का चेंज देखने को मिलता है, और रेंज में बस 10 किलोमीटर का फर्क मान लो बस। इसकी बैटरी पीछे प्रो वाले की थोड़ी सी बैटरी हैवी है, थोड़ी ज़्यादा है, रेंज भी ज़्यादा है, और इसकी थोड़ी सी बैटरी कम रेंज की है, थोड़ी सी क्या सिर्फ 10 किलोमीटर का अंतर मिलता है। वो देगा रेंज आपको 110 किलोमीटर पर चार्ज की, फुल चार्ज होने पर ये 100 किलोमीटर चलेगा। और ये जो स्कूटर है विडा कंपनी का, ये देख लो कितना प्यारा ग्राफिक्स में लिखा हुआ है, ये शू 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 वी बना हुआ है विडा। तो इस ये कुल 5 कलर ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा ये इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो सबसे पहले व्हाइट कलर में भी आपको देखने को मिलेगा, ऑरेंज कलर तो आपके सामने खड़ा हुआ है, रेड में भी मिलेगा, एक सियान कलर आता है बहुत ही अट्रैक्टिव जिस तरह से आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और एक ब्लैक कलर में भी दिखेगा जिस तरह से आपको दिख रहा होगा। देखिए पियानो ब्लैक है, मैट फिनिशिंग है थोड़ा सा, और आपको ग्रे कलर भी देखने को मिलेगा इस टाइप का। तो एक कोई भी स्कूटर उठा लेते हैं रिव्यू करने के लिए, तो यही उठा लेता हूं सबसे पहले। तो यार चलो रिव्यू करने से पहले प्राइसिंग के ऊपर बात कर ले। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था 40,000 रुपये का आपको क्या मिल रहा है, सब्सिडी देखने को मिलता है। तो टोटल ऑन रोड जो पड़ेगा, जो प्रो वाला वर्जन है यानी कि पीछे वाला जिसकी बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा है, वो पड़ जाने वाला है आपको 1,62,000 रुपये का, लमसम बता रहा हूँ ये प्राइस है। अलीगढ़ ऑटो सेंटर ये है रसलगंज के पास, ये शोरूम पड़ता है अलीगढ़ ऑटो सेंटर, यहाँ के प्राइस है। अगर आपको ये बुक कराना है और टेस्ट राइड लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने फोन नंबर दे दिया, विवेक भाई वो खड़े हुए हैं तो उनको कॉल कर लेना अगर अलीगढ़ से बिलोंग करते हो, ठीक है। अब आ जाती है प्राइसिंग की बात। तो प्रो वर्जन का जो प्राइसिंग है 1,62,000 रुपये, अगर इसमें से मैंने 40,000 रुपये माइनस कर दिया तो कितनी हो जाएगा सब्सिडी के बाद, 1,22,000 रुपये में ये पड़ जाने वाला है 110 किलोमीटर की रेंज में। और जो बैटरी कैपेसिटी है इस स्कूटर की वो आपको मिल जाती है 3.9 किलोवाट की। फिर तो स्टार्टिंग में मैंने प्राइसिंग की बात करी थी और सब्सिडी की भी बात करी थी, वो सारा खेल जान लो विवेक भाई बताएंगे। सर बताएं जो सब्सिडी का सीन है वो क्या है। जो सब्सिडी का सीन है ये रहेगा इसमें, जो इसकी 1,62,000 कॉस्ट रखी गई है, तो जो कंपनी की स्कीम चला रही है पुरानी गाड़ी का टू व्हीलर का RC एक्सचेंज ऑफर है, जो आपको 40,000 रुपये तक का टॉप मॉडल पर मिलेगा और 25,000 का लोअर मॉडल पर यानी कि प्लस पर मिलेगा। यानी कि वो उस पर 40,000 का मिलेगा और इस पर आपको प्लस का 25,000 का मिलेगा, का डिस्काउंट मिल रहा है। और कंडीशन ये रहेगी आपको पुरानी गाड़ी की आरसी की फोटो देनी पड़ेगी और जिसका आपको मिलेगा। तो दोस्तों बेहतर ऑफर है यार, विजिट करो अलीगढ़ में बिलोंग करते हैं। तो चलिए आगे की जानकारी देखते हैं। फ्रेंड्स ये जो मेरे पीछे खड़ा हुआ है ये प्रो वेरिएंट खड़ा हुआ है, 3.9 किलोवाट की इसकी बैटरी होती है, और ये चार्ज होता है ना, ये फुल चार्ज मान के चलो यार वैसे तो 5 से 6 घंटे लगते हैं, लेकिन जो 100% की जो चार्जिंग होती है इस विडा इलेक्ट्रिक स्कूटर की, चाहे इसकी ले लो चाहे इसकी ले लो, वही है यार 8 घंटे लेती है। आप ऐसा करो रात में लगा के छोड़ दो, ऑटो का चार्ज होता फुल चार्ज होगा, और ये वाला प्रो वाला आपको 110 किलोमीटर पर आपका फुल चार्ज पर चलेगा और ये 100 किलोमीटर चलेगा। इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो 3.4 किलोवाट की इसकी बैटरी है और इसकी 3.9 किलोवाट की बैटरी है। और इसका जो प्राइस मैंने आपको बताया था अभी 1,62,000 रुपये, उसके ऊपर सब्सिडी का मैंने भैया से बतवा दिया था, और इसका जो प्राइस है 1,31,500 रुपये है इस वाले का, जो आपका प्लस वाले का है। अब बात कर लेते हैं इसकी टॉप स्पीड की। तो दोस्तों ये जो स्कूटर है टॉप स्पीड आपका 90 किलोमीटर पर मतलब आर तक ये आपको आराम से टॉप स्पीड दे सकता है। वैसे लुक तो बहुत ही प्यारा हो जाता है। लुक के बारे में बात कर लें तो फ्रंट प्रोफाइल देखते हैं इसका। देखिए छोटा सा ब्लैक कलर का वाइजर दिया गया है पियानो फिनिशिंग के साथ, ये काफ़ी थोड़ा सा मॉन्स्टर लुक नहीं लग रहा है ये। और जो इंडिकेटर है इसके अंदर यूज़ हुए हैं इंडिकेटर, आपको 160 की याद दिलाएंगे। देखो ये देख लो इंडिकेटर और ये देख लो, सेम लगेंगे आपको। ये 160 खड़ी हुई मेरे एक्सट्रीम 160,
तो ये इंडिकेटर भी काफ़ी एलईडी में देखने को मिल जाते हैं। ये फ्रंट में आपको ग्रे कलर का पैनल देखने को मिल जाता है, यहाँ नंबर प्लेट लगी है, विडा की ब्रांडिंग आ जाती है, और यहाँ पर ये देखो लुक जो है आपका एलईडी में प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलेंगे, यह मिल जाते हैं डीआरएल। मेरे दोस्तों मैंने ना लाइट इसकी ऑन करके दिखा दी है, देखो ये तो डीआरएल है, बहुत अच्छा पैटर्न देखने को मिल जाता है, और इंडिकेटर्स हजार्ड ऑप्शन जो गाड़ी में आता है वो भी मैंने जलाकर दिखा दिया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देख लो यहाँ ऑरेंज कलर का साइड वाला काउल देखने को मिलेगा, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो गाड़ी में ये फाइबर का फेंडर देखने को मिलता है ये हम पर, और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के ऊपर रिफ्लेक्टर की ब्रांडिंग की गई, और 190 mm का आगे का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, बाइबरी का, भाई साहब बाइबरी का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, एमआरएफ का टायर 90x90 12 इंच के व्हील साइज के साथ देखने को मिलता है, ट्यूबलेस टायर है, अलॉय व्हील में गाड़ी है, बाकी पैटर्न तो काफ़ी ज़बरदस्त हो ही जाता है। नहीं लुक में तो यार कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, लुक बहुत ही अच्छा है, लीवर्स भी काफ़ी अच्छे बड़े से दिए गए हैं, छोटे से बार हैंड देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये जो बटन दिया गया है ये आपका इंजन किल स्विच वाला बटन है, यानी कि अगर आपकी मोटर चल रही है और बैटरी स्टार्ट है, स्कूटर स्टार्ट है, उसे दबाओ तो बंद हो जाएगा। ये SOS स्विच भी देखने को मिलता है, इमरजेंसी में यूज़ होगा, और ये आपका पार्किंग वाला देखने को मिलता है, यानी कि अगर आपको गाड़ी को बैक करना है वो यूज होगा, क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाता है, और ये गाड़ी को स्टार्ट करने का बटन यहां पर देखने को मिल जाता है। ये आपको मीटर कंसोल जो है 7 इंची की डिस्प्ले देखने को मिलती है, पूरी तरह से एलईडी में है, इसको कंट्रोल करने के लिए यहां पर बटन दिया गया है, वैसे तो टच है और कंट्रोल का, वैसे अगर वैसे मैनुअली चलाना है तो इससे भी आप चला सकते हैं, हजार्ड ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये इंडिकेटर और ये हॉर्न, हॉर्न तो आवाज आएगा क्योंकि हाई बीम लो बीम पासिंग का स्विच, और बाकी अगर मैं थ्रॉटल की बात करूं तो थ्रॉटल को मैं बिल्कुल पास से आपको दिखा सकता। अब बात कर लेते हैं इसके जो स्पेशल फीचर्स हैं इस स्कूटर में जो मिलते हैं आपको, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये देख लो कुछ इस टाइप से सिस्टम हो जाता है, इसको मैं स्टार्ट करता हूं, ये मैंने मोटर को स्टार्ट कर दिया, अब मैं देखो इसको चला के दिखाता हूं, ये देखो इसकी रेंज, और एक साउंड सुनिए, हूं की साउंड आ रही है, ये कार वाला सिस्टम नहीं देखने को मिल रहा है कार वाला, और कुछ इसमें इंडिकेशन भी आ रहा है, टेम्परेचर देख सकते हो, टाइमिंग देख सकते हो, ऑडोमीटर देख सकते हो, कितनी बैटरी कितनी आपकी चलेगी, ये सारी चीज़ें टाइमिंग देख सकते हो, और मोड्स देखने को मिल जाते हैं इसमें, चार मोड देखने को मिल रहे हैं, इको, राइड, स्पोर्ट्स और कस्टम मोड इसके अंदर देखने को मिल जाता है। और दोस्तों स्पेशल फीचर में आपको इसमें क्रूज कंट्रोल देखने को मिलेगा, नेविगेशन देखने को मिलेगा, जियो फेंसिंग देखने को मिलेगी, और चार्जिंग स्टेशन भी, यानी कि अगर आपकी बैटरी स्कूटर की डाउन होने वाली है तो इसमें पता चल जाएगा कि पास में चार्जिंग स्टेशन, फास्ट चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर है, देखो ये है फास्ट चार्जिंग, 2 घंटे में पूरा स्कूटर चार्ज भाई साहब, ये भी फंक्शन देखने को मिल जाता है, और वही स्टेशन लोकेटर जिसे बोलते हैं वो सब चीज़ें देखने को मिल जाएगी, एंटी थेफ्ट अलार्म भी इसमें देखने को मिल जाएगा, यानी कि चोरों से भी सुरक्षा देगा ये स्कूटर, भूल जाएं चुराने वाले यार चुर नहीं सकता इसको, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, कॉल और SMS का अलर्ट भी देखने को मिल जाएगा, नेविगेशन तो मैंने बताया दिया था, लो बैटरी असिस्ट भी देखने को मिलेगा, जैसे कि आपकी बैटरी स्कूटर की बैटरी डाउन होने वाली है तो ये आपको बता देगा, तो आप उसी दरमियान से उसी हिसाब से आप अपने अपने वर्क को मतलब मैनेज करिएगा, यानी कि दूर नहीं जाइएगा, ठीक है, चार्ज होकर ही दूर जाइएगा, और म्यूजिक कंट्रोल भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि कहने का मतलब ये है बहुत ढेर सारे फंक्शन देखने को मिलेंगे। अब विजिट कर लेते हैं इसकी बैक प्रोफाइल की, देखो बैक में कितना ही जबरदस्त बैक प्रोफाइल दिया गया, ये बैक की आपके DR बोल सकते हैं, और बैक की जो टेल लाइट है मैं आपको अभी जलवा कर दिखाता हूँ, ये देखिए, और ये दिख रहा है आपको, ये बैक की टेल लाइट है, और हजार्ड ऑप्शन, चारों इंडिकेटर जो एक साथ जलते हैं, पीछे वाले जलने के बाद ऐसे लगते हैं, ये आगे आपकी नंबर प्लेट को विजिबल करने के लिए लाइट, और यहाँ आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं, और पीछे में आप देख सकते हैं इसकी जो मोटर है वो 6 kW की देखने को मिलेगी, और मोटर जो है आपकी PMSM मोटर कहलाती है, ये देखो पीछे की, अगर टायर के साइज की बात करूँ तो 100x80 और 12 इंची के व्हील साइज के साथ देखने को मिलेगा, डायमंड कटिंग ट्यूबलेस टायर है, और डायमंड कटिंग एलॉय व्हील देखने को मिलता है। एक बार मैं मोटर का इसकी बनावट दिखाऊं, कुछ इस टाइप से पैटर्न है, पीछे आपके वही सस्पेंशन जो है स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन, एक ही सस्पेंशन देखने को मिलेगा, मोटर देखो बहुत ही यूनिक मोटर देखने को मिलेगी, 6 kW की मोटर है, पावरफुल मोटर है, और एक जूम करके आवाज़ आती है वो मुझे काफ़ी इस स्कूटर की अच्छी लगी, साइड स्टैंड और मिडिल स्टैंड दोनों ही देखने को मिलेंगे, साइड स्टैंड लगा लोगे तो स्कूटर आगे नहीं बढ़ेगा, वही मोटर कट वाला सिस्टम इसके अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ विडा प्लस की ब्रांड देखने को मिलेगी, ये काफी अच्छी लग रही है, पीछे भी विडा लिखा हुआ देखने को मिलेगा, ये ग्रैब हैंडल है। अब मैं सीट सर से बोलूंगा, सीट खोल के दिखाइए, सीट में क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। इसकी बैटरी जो है रिमूवेबल है, आप इसकी बैटरी को निकाल सकते हो, अलग से चार्ज कर सकते हो, वैसे स्कूटर के द्वारा भी चार्ज हो सकती है, यहां से भी चार्ज हो सकती है, और चाहो तो अगर फ्लैट वगैरह में रहते हो तो बैटरी निकालो, या मैंने बैटरी निकाल ली और मैं जा रहा हूं अपने घर पर चार्ज करके फिर से लगाओ, ये देख लो 2 बैटरी स्कूटर में देखने को मिलेंगी। अगर आप एक बैटरी घर पर चार्ज करो और एक बैटरी से
अपने शहर में घूमो, वो चार्ज हो रहे तो दोबारा लगा लो, लॉन्ग जर्नी तैयार करनी है, दूरी तय करनी है तो दोनों को फुल चार्ज करो, फिर आप अपने कहीं भी अपने मंजिल तक जा सकते हो। बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, ये देख लो। और चार्जर मैं दिखा दूँ आपको, ये देखो पावरफुल चार्जर इसके अंदर देखने को मिलेगा, जो कि वही आपको मैंने बताया था, यानी कि फुल अगर चार्ज करना है तो लगभग ये 7 से 8 घंटे आपका ले सकता है चार्जर। अब मैं बात कर लेता हूँ गाड़ी की वारंटी की। भाई साहब सारी चीज़ों में वारंटी क्या क्या देखने को मिलेगी, अगर चार्जर की वारंटी बात करूँ तो 5 साल चार्जर की वारंटी है और या तो 50,000 किलोमीटर है। मोटर की वारंटी की बात करूँ तो 3 साल 50,000 किलोमीटर और बैटरी की, जो गाड़ी में बैटरीज लगी हैं उसकी वारंटी की बात करूँ तो वो 3 साल या 30,000 किलोमीटर। कंट्रोलर भी लगा होता है जो कि मैकेनिज्म होता है, उसकी भी वारंटी कंपनी ने दी है 3 साल या 50,000 किलोमीटर। और दोस्तों इसके अंदर जो स्विचेस लगे हैं ना, इसकी भी वारंटी कंपनी ने दी है, इसकी वारंटी है 5 साल या 50,000 किलोमीटर। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट इस वीडियो में मैं बताकर जाने वाला हूँ, अगर आप चाहो इसकी वारंटी बढ़ाना तो वारंटी बैटरी वाली वारंटी भी बढ़ा सकते हो, वो 5 साल हो जाएगी और 60,000 किलोमीटर तक हो जाएगी। और दोस्तों इस स्कूटर की एक खास बात और लगी, इसमें डिस्क ब्रेक के साथ CBS कॉम्बी ब्रेक सिस्टम भी देखने को मिलता है, यानी कि अगर आप पीछे का ब्रेक लगाओगे तो आगे का भी लगता है, इससे जो स्कूटर वगैरह स्किड नहीं होता है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसका कर्व वेट कितना है, इसका जो कर्व वेट है वो 124 किलो का है प्लस वाले का, वहीं अगर जो ज़्यादा कैपेसिटी वाले की कर्व वेट की बात करूँ तो वो 125 किलो का, यानी कि 1 किलो बढ़ जाता है बैटरी के कारण। वहीं अगर मैं इसकी सीट हाइट की बात करूं तो 780 mm की इसकी स्कूटर की सीट हाइट आपको देखने को मिलेगी और ग्राउंड क्लियरेंस इसका 155 mm का इस स्कूटर का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा। तो मोस्टली ज़्यादातर मैंने इसके बारे में सब कुछ बता दिया है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल कर रहे हैं सब्सक्राइब। और अगर दोस्तों आप इलेक्ट्रिक स्कूटर में आना चाहते हो और हीरो कंपनी का वीडा लेना चाहते हो तो अलीगढ़ में ऑटो सेंटर पे, अलीगढ़ ऑटो सेंटर पे अवेलेबल है। अगर अलीगढ़ से बिलोंग करते हो तो विजिट करें शोरूम पर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने भाई का नंबर दे दिया तो कॉल करके भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।